back to my channel Creative Hub. Me Priya Jain here, back with another interesting video. I know I'm back after so long. Actually, I got busy in some other stuff as I started my mom's YouTube channel. She posts easy cooking recipes on her channel. Link will be in the description. Go and check out her channel too. So, without wasting time, let's get started. First tip is always use tape on the border. सो बेसिकली जब भी हमें फुल स्केल पेंटिंग करनी होती है या फुल पेज लैंडस्केप पेंटिंग करनी होती है तो इस तरह से बॉर्डर्स पे टेप लगा लेनी चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर पेंटिंग करनी चाहिए। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे, बिना टेप लगाए अगर हम पेंटिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, ये देखिए हमारा कलर एक तो बाहर चल जाएगा पेज के, ऊपर से पेज हमारा फूल जाएगा पानी से, बहुत ज़्यादा मेस मच जाएगा और बिल्कुल भी क्लीन बॉर्डर नहीं आएगा। तो जब भी हमें फुल स्केल पेंटिंग करनी हो हमेशा बॉर्डर्स पे टेप लगा लेनी चाहिए। उसके बाद ये देखिए जब हम टेप उतारेंगे तो हमारे बॉर्डर कितने नीट आए हैं और हमारी पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है। सेकंड, ऑलवेज यूज हेयर ड्रायर टू ड्राई द पेंटिंग क्विकली। तो जब भी हम पेंटिंग करते हैं उसके बाद हमें जैसे फर्स्ट टोन दिया उसके बाद हमें सेकंड टोन देना होता है तो उसको ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसको जल्दी से ड्राई करने के लिए हम हेयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही वो ड्राई हो, देख लीजिए मेरी ये पेंटिंग विद इन 2 मिनट्स में अच्छे से ड्राई हो गई है। थर्ड, ऑलवेज यूज प्रेस टू फ्लैटन द शीट। तो आपने कभी कभी नोटिस किया होगा जब भी आप पेंटिंग करते हो तो पानी की वजह से हमारी शीट कभी कभी ऐसे फूल जाती है और अनबैलेंस हो जाती है। ऊपर एक क्लीन क्लॉथ को ऐसे पेंटिंग के ऊपर रखेंगे और उसके बाद प्रेस की हेल्प से हम अपनी शीट को प्रेस करते हुए बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे। ऐसे करने से हमारी शीट एकदम फ्लैट हो गई है और इसमें कोई भी अब बबल नहीं रहा। फोर्थ टिप इज परफेक्ट वे ऑफ गिविंग अम्बर ग्रेडिएंट वॉशेस। तो आपने कार्ड वगैरह कभी किसी पे देखा होगा कि जो बैकग्राउंड होता है या फिर पेंट कैलीग्राफी के पीछे जो बैकग्राउंड इफेक्ट होता है, तो ये मैं आपको दो तरह से बताऊंगी, एक वेट और एक ड्राई में। तो वेट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने जो भी पेज का साइज या जो भी ब्लॉक का साइज हम उसको पूरा का पूरा इस तरह से गीला कर लेंगे। उसके बाद हम एक ब्रश में लेंगे थोड़ा सा कलर और उसको बस इस तरह से एक स्ट्रोक देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कलर खुद ही किस तरह से फैल रहा है और कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगी ड्राई पे। ड्राई में हम क्या करेंगे, हमें पानी नहीं लगाना, सीधा हम कलर का टोन देंगे एक, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाते लगाते कलर को नीचे की तरफ फैलाएंगे इस तरह से। ये देखिए अब आप खुद देख सकते हैं कि हमारा किस में ज्यादा अच्छा इफेक्ट आया है। मैंने इसी तरह से कुछ और भी सैंपल्स बनाए हुए हैं, आप इन्हीं को ही एज अ बेस देके इसके ऊपर आप कैलीग्राफी करें, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। फिफ्थ, ऑलवेज यूज टिश्यू पेपर और ईयरबड। जब भी हमारा कभी कुछ मिस्टेक हो जाए या फिर हमारा लाइन से बाहर निकल जाए कोई भी चीज, तो उसी टाइम उसे ड्राई होने से पहले एक टिश्यू पेपर या एक ईयरबड से जल्दी से उसे पोंछ लें ताकि जो हमारा जो कलर जो बाहर निकला है वो फेड हो जाए और वो एज अ मिस्टेक ना दिखे। आप टिश्यू पेपर और बड एक्स्ट्रा कलर रिमूव करने में भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इस स्टैम्प में बहुत ज़्यादा कलर हो गया था तो मैंने टिश्यू पेपर की हेल्प से थोड़ा सा कलर रिमूव कर लिया। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I hope you like these tips and tricks and do share it and comment me if any suggestions or anything you like about the video. Do like, share and subscribe to my channel and many more video coming on its way. So stay tuned, keep supporting. Thank you.